आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन। शुरुआत करते खबरों की। अभी हाल ही में सपा के साथ गठबंधन का ऐलान करके सुर्खियों में आई जनवादी पार्टी। सोशलिस्ट के राजधानी लखनऊ में प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन हुआ। प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन समारोह में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे और अखिलेश यादव ने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष राम सुरेश चौहान और प्रदेश उपाध्यक्ष हसीब खान समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। उद्घाटन के मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जनवादी पार्टी ने लगातार लोगों को जोड़ने का काम किया और सपा भी हमेशा से दलित और पिछड़े सभी को साथ लेकर चलने का काम करती आ रही है। समान विचारधारा के कारण हम साथ हैं और आगे भी रहेंगे। आज के समय में केवल आम जनता का शोषण हो रहा है, सारे वर्ग योगी सरकार की नीतियों से दुखी है, इसलिए अब 2022 के खजुनाव में जनता ने इनको हटाने का मन बना लिया है। अयोध्या के काल के देवता माने जाने वाले यमराज की पूजा दीपावली के तीसरे दिन यानी कि यम द्वितीय को सरयू घाट के थमथरा घाट पर होती है। यहाँ पूजा में यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर महाराज यमराज की तपोस्थली पर पूजा अर्चना कर खुद को भय मुक्त करने की कामना करते हैं। और आज यम द्वितीय भाई दूज के अवसर पर सरयू घाट पर आज श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने सरयू में आस्था की डुबकी लगाई। यमथरा घाट पर यमराज के मंदिरों में भक्तों ने पूजा अर्चना की। इस दिन भाई दूज के अवसर पर बहनें घाट पर पहुंचकर स्नान करती हैं। मंदिर के पुजारी के मुताबिक प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यमराज ने इस तपोस्थली को अयोध्या माता से प्राप्त किया था और मान्यता है कि यमराज महाराज की पूजा अर्चना करने वाले को यमराज से भय नहीं लगता और इन्ही कामनाओं को लेकर यमथरा घाट पर महाराज यमराज की पूजा अर्चना होती है। यमराज जी का यहाँ स्थान है और यम द्वितीया में यहाँ नहाने से मुक्ति प्रदान होती है। भैया दूज का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। यहाँ गोवर्धन भगवान की भी पूजा होती है और यमराज जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्ति होती है। इसी मारे यहाँ पे यमराज भगवान का स्नान होता है। प्रथा बहुत पुरानी प्रथा, यहाँ यमराज जी की मंदिर बहुत पुरानी, आज की नहीं ना, करीब 50 साल पुरानी मंदिर है। यहाँ प्रथा बहुत पुराना चल रहा है, आज से नहीं चल रहा। इसी मारे यम द्वितीया को भगवान यहाँ यमराज जी की पूजा करने की पुरानी प्रथा, यहाँ स्नान होता है, भगवान यमराज की कृपा प्राप्त होती है। तो बहुत तरीके आरती। हिंदुत्व भावना की बात करें तो दीपावली के दूसरे दिन भैया दूज का पावन पर्व, भाई बहन के रिश्ते को अटूट करने वाला ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और बहनें अपने भाई की आयु के लिए तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर ईश्वर से कामना करती हैं कि उनका भाई उनके आजीवन तक जीवित रहे और उनका भाई बहन के प्यार के साथ साथ उनकी रक्षा भी उम्र भर होती रहे, जिसके चलते आज मैनपुरी जिला कारागार में अपराधों की सजा काट रहे कैदियों से मिलने के लिए दूर दराज से उनकी बहनें भैया दूज के अवसर पर उन्हें सैकड़ों की मात्राओं में मिलने पहुंची, जहां जिला प्रशासन की ओर से बहनों और भाइयों को इस पर्व पर मिलने के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए और कैदियों को बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए COVID-19 की जाँच भी इंतजाम किया गया। COVID-19 जांच कराए जाने के बाद ही जिला कारागार में अंदर प्रवेश दिया गया। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेह कुमारी। कहाँ से आई हैं आप? मैं बेवर से आई हूँ। अच्छा, यहाँ जिला कारागार में क्या, कौन है आपका बंधु? मेरे वैसे भाई भी हैं। हाँ। और मेरा बेटा भी है। अच्छा, तो भाई से मिलने आई हूँ। हाँ। भैया दूज खिलाने आई हूँ। हाँ। अच्छा, ये भैया दूज क्यों मनाई जाती है? भैया दूज ये इसलिए मनाई जाती है कि एक भाई बहनों का एक अटूट मतलब त्योहार होता है। इसमें हमें सभी लोग ये चाहते हैं कि मेरे भाई बहनों की सबकी सदैव यही खुशियां बनी रहें और हम सब लोग अपना रीत रिवाज से त्योहार मनाते रहें। जी। अच्छा, आज के दिन क्या कामना करती है? मैंने
धनतेरस से लेकर लगातार भैया दूज तक त्योहारों का सीजन होता है, जहां लोग धनतेरस के बाद दीपावली, गोवर्धन, फिर भैया दूज का त्योहार मनाते हैं। आज भैया दूज का पावन पर्व है, जिसे पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बता दें कि इस त्योहार को मनाने के लिए बहनें भूखे प्यासी रहती हैं, जब तक वो भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कलावा नहीं बांध देती तब तक कुछ भी नहीं खाती। इस पर्व पर बहनें भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। इस दिन बहनें भाइयों के स्वास्थ्य और दीर्घायु की मंगल कामना करके तिलक लगाती हैं। मान्यता है कि इस दिन बहनें अपने हाथ से भाई को जीवाएं तो भाई की उम्र बढ़ती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। इस दिन बहनों के घर भोजन करने का भी विशेष महत्व है। तो आज देश में भाई दूज की धूम है, जहां भाइयों की लंबी आयु और दीर्घायु के लिए भाई बहन के प्रेम में और बढ़ा रहे और इसी तरह से बना रहे, इसके लिए आज ये त्योहार बनाया जा रहा है। हाथरस के किसानों को केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। किसानों को अपनी फसल का रेट अच्छा मिले, इसके लिए रेलवे ने हाथरस किला स्टेशन से एक साप्ताहिक किसान ट्रेन के संचालन का बंदोबस्त किया है। ये ट्रेन हाथरस जनपद से किसानों और उनकी उपज को लखनऊ, गोरखपुर के रास्ते गुवाहाटी के लिए ले जाएगी। इसके लिए किसानों से बहुत ही रियायती दरों पर भाड़ा वसूल किया जाएगा। किसान अपनी फसल को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए इस ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्रेन में पहली खेप आलू की रवाना हुई और इस व्यवस्था के चलते जनपद के किसानों को अपनी उपज का अच्छा दाम तो मिलेगा ही, वहीं उन्हें भाड़े में भी काफी मुनाफा होगा, क्योंकि रेलवे की तरफ से किसान रेल में उपज बुक कराने पर भाड़े की बड़ी छूट दी जा रही है। ये ट्रेन में लोड हो रहा है साहब, ये आलू ये ट्रेन में, हाँ, किसानों का माल आ रहा है, हाँ। ट्रेन में लोड हो रहा है, अब किसान द्वारा ये माल जो है हाथरस से पहली रैक लोड हो रही है गुवाहाटी के लिए। गुवाहाटी, हाँ। तो ये ट्रेन यहाँ से कब जाएगी? ये ट्रेन यहाँ से सुबह निकल जाएगी, 3 दिन में पहुँचेगी। 3 दिन इससे किसानों को बड़ा लंबा फायदा होगा। 10-50 रुपए जो व्यापारी कमाते हैं वो बचत बचेगी, किसानों का डायरेक्ट वहाँ पे माल की बिक्री होगी और गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। ट्रेन कितने बजे निकलेगी? ट्रेन निकलेगी सुबह 4 बजे के आसपास निकलेगी सुबह। मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर कांग्रेस के दबंग नेता का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी कांग्रेस के नेता मुरादाबाद में नगर पंचायत का बेटा बताया जा रहा है। बता दें कि इस वीडियो में एक व्यक्ति अवैध पिस्टल के साथ दबंगई करता हुआ कैमरे में कैद हुआ है। इटावा में बने यमुना नदी पुल पर दुर्घटना के बाद कई दिनों से मृत गाय का शव पड़ा हुआ है, जिसके चलते वहां से गुजरने वाले राहगीरों को संक्रमण और मृत गाय के शरीर से आने वाले दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा कई दिन गुजर जाने के बाद भी मृत गाय को पुल से नहीं हटाया गया है। यह पुल नेशनल हाईवे 719 पर बना हुआ है। मृत गाय के शरीर की मांसाहारी जानवरों द्वारा दुर्दशा की जा रही है, मगर जिला प्रशासन द्वारा अभी तक उसे हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं मामला जनपद जालौन के कालपी तहसील क्षेत्र का है, जहां सुबह सुबह नदी में स्नान कर रहे एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया। व्यक्ति को डूबते हुए देखकर आसपास नहा रहे लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। आनन फानन में लोगों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से नदी में डूबे व्यक्ति को ढूंढने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिलहाल डूबे हुए व्यक्ति को जाल डालकर नदी में खोजा जा रहा है। सिद्धार्थनगर में 43 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी वजह के जवानों ने भारतीय मुद्रा की तस्करी करते हुए एक तस्कर को पकड़ा। 43 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के उप कमांडेंट मनोज कुमार ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर होने वाली तस्करी और अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए नाका पेट्रोलिंग के माध्यम से निरंतर प्रयासरत है और अवैध रूप से हो रही तस्करी के सामान को जब्त किया जा रहा है।
बलिया जनपद के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के नेमा टोला गांव के पास नहर में एक फौजी का शव मिला। शव मिलने से पूरे इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया है। मृतक फौजी पंजाब के पटियाला में पोस्टेड था। फौजी दिवाली के त्योहार पर अपने घर छुट्टी मनाने आया था। वहीं सीओ सिकंदरपुर ने अपने बयान में कहा कि परिजनों की तहरीर मिली है और पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। फतेहपुर जनपद के औंगा थाना करचलपुर में पांडू नदी में 55 साल की महिला का शव मिला है, जिसकी शिनाख्त मृतका के परिजनों ने थाने में आकर की और बताया कि महिला गुरुवार शाम 4 बजे से लापता हो गई थी। वहीं इंस्पेक्टर शेर सिंह राजपूत ने बयान में बताया कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। संभल में भाई दूज पर जाम ने लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा दी और त्योहार के दिन हाईवे पर लंबा जाम दिखाई दिया। जाम की सूचना पर एएसपी आलोक जायसवाल ने कमान संभाली और चौराहे पर खड़े होकर ट्रैफिक पुलिस की तरह जाम खुलवाया। एएसपी आलोक जायसवाल और सदर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। वहीं रोडवेज बसों में भारी भीड़ के चलते महिला को काफी परेशानियां उठानी पड़ी। दोपहिया वाहनों के साथ साथ कार और अन्य वाहनों से अधिक संख्या होने के चलते शहर के बीच गुजर रहे लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वही मामला फतेहपुर जनपद के औंग थाना क्षेत्र का है, जहां 7 दिनों से युवक लापता था, जिसका शव नदी में मिला है। बता दें कि 7 दिन पहले खेतों में काम करने जाने के बाद वापस ना आने पर परिजनों द्वारा खोजबीन शुरू कर दी गई थी। वहीं इस बात की तहरीर थाने में भी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। औंग पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। अब परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाले अभिभावकों को योगी सरकार ड्रेस के लिए उनके बैंक खाते में पैसा डालेगी। सिद्धार्थनगर जिले में भी इसको लेकर उनमें काफी खुशी देखी जा रही है। जिला मुख्यालय के प्राथमिक विद्यालय कृष्णानगर मोहल्ले के कुछ परिवारों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। परिजनों ने जानकारी देते हुए कहा कि पहले हमें जो ड्रेस मिलता है वो खराब क्वालिटी का होता था। वहीं इस मामले में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने काफी खुशी जाहिर की और इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि अभिभावकों के योगी का लाभदायक कदम है, इससे अभिभावकों अपने बच्चों के लिए स्वयं खरीदारी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, जब प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ रहे 1,80,00,000 छात्र छात्राओं को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं, उनके 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, बैग आदि के बदले उनके अभिभावकों के खाते में 1,100 रुपये प्रति छात्र छात्रा के हिसाब से DBT के माध्यम से अंतरित किए जाएंगे। अब हमारे बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों की साइज के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार, विभाग के द्वारा निर्धारित मानक और गुणवत्ता के अनुरूप अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, बैग। रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र में मटका गांव में बीमारी से तंग आकर विकलांग BDC सदस्य ने फांसी लगा ली। बता दें कि विकलांग का मानसिक संतुलन खराब था। वहीं हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची सलोन पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अयोध्या के थाना महाराजगंज क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर हुए एक भीषण हादसा हो गया है, जहां सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा उस समय हुआ जब परिवार के सभी सदस्य एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर रिश्तेदार के पास जा रहे थे। उसी दौरान रेलवे ट्रैक से गुजर रहे इंसान की चपेट में आ गए और इंजन की चपेट में आ गए और इस हादसे में सभी की दर्दनाक मौत हो गई। अगर बता दें कि इस हादसे में पति पत्नी और 2 बच्चे थे, जिनकी इंजन की चपेट में आने से मौत हुई और पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इस मामले में क्षेत्र अधिकारी रामकृष्ण चतुर्वेदी के मुताबिक शवों को जांच के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्यवाही जारी है। महाराजगंज थाना क्षेत्र में आज लगभग 10 बजे जो दुर्गापुर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है, जहाँ से सिर्फ बाइक वाले और ट्रैक्टर ही यहाँ से पार होते हैं, पुलिस को एक सूचना मिली थी कि यहाँ पर ट्रेन से एक एक्सीडेंट हो गया है,
जिसमें कई लोग घायल हैं। मौके पर आकर देखा गया तो रामचंद निषाद रामपुर माझा के रहने वाले और उनकी पत्नी और उनके दो बच्चे घायल अवस्था में यहाँ पड़े हुए थे। पुलिस ने तत्काल जो घायल बच्चा था उसको अस्पताल भिजवाया और मौके पर ही प्रथम दृष्टया देखने में तीन लोग मृत प्रतीत हो रहे थे, उनको भी अस्पताल भिजवाया, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। और जो लड़का अस्पताल में भर्ती था थोड़ी देर बाद उसकी भी सूचना आई कि उसका भी देहांत हो गया है। पंचायतनामा भरकर अगली कार्रवाई की जा रही है। संभल में डीएसएम शुगर मिल रजपुरा द्वारा अपने 15 में पेराई सत्र 2021-22 का शुभारंभ पूजा अर्चना के उपरांत किया गया। इस अवसर पर डीएसएम शुगर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव गोयल और उनकी बेटी इशिरा गोयल, सुभाष पांडे ग्रुप प्रेसिडेंट, विधायक अजीत कुमार यादव और अन्य सम्मानित किसान भाई मौजूद रहे। गौरव गोयल ने सभी को आगामी पेराई सत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और किसान भाइयों को अपना सहयोग और साथ बनाए रखने के लिए भी आभार प्रकट किया। तो इस अवसर पर ये शुभारंभ किया गया है जिसमें शुगर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर गोयल और उनकी बेटी इशरा गोयल, सुभाष पांडे ग्रुप प्रेसिडेंट, विधायक समेत कई लोग मौजूद रहे और उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए तमाम खबरों के लिए प्राइम टीवी के साथ।